कैरेट केक इज वन ऑफ द बेस्ट केक टू मेक इन विंटर सीजन। बहुत से स्पाइसेस और फ्लेवर्स के साथ आज हम ये मॉइस्ट केक बनाने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स आज भी हम इसे एगलेस ही बनाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। एक लार्ज मिक्सिंग बोल में सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप शुगर, साथ ही इसमें डालेंगे हाफ कप ऑफ एनी न्यूट्रल ऑयल, हाफ कप ऑफ योगर्ट और कर्ड और कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, और अब एक विस्कर की हेल्प से इन्हें अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक कि शुगर अच्छे से ऑयल और कर्ड के साथ डिसॉल्व ना हो जाए और कुछ इस तरह से ना दिखने लगे। और अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लेंगे। यहां हमने लिया है एक कप मैदा, आधा कप फाइन सेमोलिना और सूजी, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 3/4 टीस्पून, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर या दालचीनी पाउडर। यहां हमारे पास जायफल है यानी कि नटमेग, इसे भी इसमें करीब 2 से 3 पिंच जितना ग्रेट कर लेंगे। और अब इन्हें अच्छे से सीव कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और केक स्पॉन्जी बनता है। और अब विस्कर की हेल्प से इसे लाइटली मिक्स कर लेंगे। और अब बोल में हम ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज कैरेट। यहाँ हमारे पास है 2 कप ग्रेटेड कैरेट, इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपने कैरेट केक कभी भी ट्राई नहीं किया है तो इस रेसिपी से जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी लगता है। लाइटली इसे बैटर में फोल्ड कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप फ्रेश ऑरेंज जूस। दिस विल एड अ नाइस सिट्रिक पंच टू द केक। साथ ही कुछ चॉप्ड वॉलनट्स भी इसमें ऐड कर लेंगे। ऑरेंज जूस को इसमें हमने 2 बैचेस में ऐड किया है। और अब लास्टली यहाँ हमारे पास है करीब 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है बट इससे केक में एक क्रंच ऐड होता है। और अगर आपको कोकोनट स्वीट्स में पसंद आता है देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस। ये हमारा बैटर रेडी है। यहाँ हमने केक टिन को पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया है और अब बैटर को हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अवन को हमने 180 डिग्रीज पर प्री हीट कर लिया है। केक टिन को इस तरह से 2 से 4 बार टैप कर लेंगे जिससे अगर कोई एक्स्ट्रा एयर बबल हो तो वो बाहर निकल जाए। बैटर के ऊपर हम थोड़े और चॉप्ड वॉलनट्स ऐड करके इसे गार्निश कर लेंगे। और अब इसको हम 180 डिग्री टेम्परेचर पर अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे और अंटिल द नाइफ कम्स आउट क्लीन फ्रॉम द केक। और ये हमारा डिलीशियस केक बेक होकर रेडी है। लेट इट कूल डाउन कम्प्लीटली बिफोर डीमोल्डिंग। और ये हमारा स्पाइस्ड सॉफ्ट और मॉइस्ट कैरेट केक एकदम तैयार है। इस पे थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर इस तरह से सिफ्ट कर लेंगे टू गिव दैट स्नोई इफेक्ट, और ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। होप यू ऑल हैव लाइक दिस रेसिपी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आप सभी से हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अंटिल देन, हैप्पी बेकिंग।